ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فَاعُوذُ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به رَحَامٍ ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله फ़कदफ़ा दफ़ाउ दीम हर तरह की तारीफ़ अल्लाह रबुलामी के लिए लायक और जेबा है और दरुद व्लाम नाजिल हूँ अल्लाह के तमाम नबियों पर खूसा आख़री नबी हज़रत महमद मुस्तफ़ी सल्लासम पर मोहतरम हाजरीन आज तक दुनिया में जितने इंसान आए हैं एक मुताना मुद्दत गुजार कर मौत की आगोश में चले जाते हैं अल्लाह तबार को तौ के अलावा जितनी मखलूक़ है सब फ़ानी है हर एक को एक ना एक दिन मरना है और इसकी वजाहत अल्लाह तुरान मजीद में बार बार फरमाई है कुछ वो लोग हैं जो अपने फितरी मौत से मरते हैं और कुछ लोगों की मौत बहुत भयानक होती है जिसको हम बुरी मौत कहते हैं और कुछ लोगों की मौत सादत मंदी की अलामत होती है उसमें से शहादत का मकाम व मरतबा हासिल करने वाले लोग भी हैं जो लोग शहादत का मकाम हासिल करते हैं वो बहुत खुश नसीब हैं वो शहादतमंद हैं अल्लाह तबारक वाली ने कुरानी मजीद में कई मकाम पर शहीदों के फजाइल बयान किए अल्लाह के नबी सल्ह वम ने अहादी मुबारक में शहदा के फजाइल और उनके मनाकब बयान किए यही वजह है कि सहाब कराम में से हर शख्स शहादत की तमन्ना करता था मरना तो हर एक को है तो क्यों ना शहादत की मौत की तमन्ना करें हर मुसलमान के अंदर ये तड़प होनी चाहिए ये जस्तजु होनी चाहिए ये आरजू होनी चाहिए कि अल्लाह तबारक उसको शहादत की मौत नसीब फरमाए अल्लाह तबारक ताली ने कुरानी मजीद में शहीदों के मकाम व मरतबे को उजागर किया है सुर बकरा की आयत नंबर एक सौ चौवन में अल्लाह ने फरमाया वाला तकलोलिमयु तलूफ़ी सभी लाही अमवात बल अहियाँ अला किल्ला तशा जो लोग अल्लाह के रास्ते में कत्ल कर दिए जाते हैं जो लोग अल्लाह के रास्ते में शहीद कर दिए जाते हैं उनको मुर्दा न कहो बल अह्यायान बल्कि वो ज़िंदा हैं वला किला तशोर तुम शुरू नहीं कर सकते हो उनकी ज़िंदगी के बारे में उनकी ज़िंदगी कैसी है तुम सोच नहीं सकते हो इसी तरीक़े से अल्लाह तबार को ताली ने सुर इमरान आयत नंबर एक सौ उनहत्तर में फ़रमाया वला तहसबन लदी في سبيل الله अमुात जो लोग अल्लाह के रास्ते में कत्ल कर दिए गए हैं जो लोग अल्लाह के रास्ते में शहीद कर दिए गए हैं उनको मुर्दा न कहो, बल अहिया बल्कि वो जिंदा हैं इंद रब भी यकूल और अपने रब के पास उनको रोज़ियाँ दी जाती हैं ये दो आयतों में अल्लाह तबारक ताल शहदा की फजीलत बयान की और अल्लाह ताला ने फ़रमाया कि अल्लाह के रास्ते में शहीद होने वालों को मुर्दा न कहो उनकी मौत आम लोगों की तरह मौत नहीं है बल्कि वो शहादत की मौत है अल्लाह के पास ज़िंदा हैं अल्लाह उनको रोज़ियाँ भी देता है अल्लाह के नबी सल्लम की एक हदीस है आप अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के दरमियान बैठे हुए थे आपने शहदा की फजीलत बयान की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो तुम्हारे साथी शहीद हो गए हैं अल्लाह तबारक ने उनको क्या मकाम अता किया आपने फ़रमाया कि सब्ज़ परिंदों के जिसमें उन रूहों को डाल दिया गया शोहदा की रूहों को सब्ज़ परिंदों के जिसमें डाल दिया गया वो परिंदे जन्नत के नहरों पर हाजिर होते हैं जन्नत की नहरों से पानी पीते हैं जन्नत की नहरों से फैजियाब होते हैं फिर वो जन्नत के बागात में जाते हैं जन्नत के बागात से वो फल खाते हैं फिर वो अल्लाह तबारक तआला के अर्श के नीचे सोने की कंदीलें लटकी हुई हैं उन कंदीलों में वो पनाह गुजीन हो जाते हैं प्यारे नबी अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो लोग शहीद होकर यहाँ से चले गए जब उन्होंने अपना मकाम व मरतबा देखा अल्लाह ताला ने उनकी रूहों को सब्ज़ परिंदों के जिस्मों में डाल दिया वो जन्नत के नहरों पर हाजिर होते हैं जन्नत के बागात से फल खाते हैं अरशे इलाही के नीचे सोने की कंदीलों में पनाह गुजीन होते हैं जब उन्होंने शहादत के मकाम को देखा तो उन्होंने ये तमन्ना और आरजू की कि काश दुनिया में चले जाते और लोगों को बता देते कि शहादत का मकाम कितना ऊंचा है तो लोग शहादत की तमन्ना करते अल्लाह तबारक व तआला ने उन शोहता से फ़रमाया तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है तुम्हारा ये पैगाम हम दुनिया के लोगों तक पहुंचा देते हैं चुनान सूरह आले इमरान की यह आयत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उन्हीं लोगों के इस तस्वूर को बयान करने के लिए अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई सूरह आले इमरान की आयत नंबर एक सौ उनहत्तर पढ़िए अल्लाह ने फरमाया, तरमाया वाता في سبيل الله अमुआ जो लोग अल्लाह के रास्ते में कत्ल कर दिए गए हैं शहीद कर दिए गए हैं उनको मुर्दा ना समझो बल अहन बल्कि वो जिंदा हैं इंद रबिम और उनके रब के पास उनको रोज़ियां दी जाती शहादत का मकाम बहुत ऊंचा है अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कोई भी शख्स दुनिया से मरने के बाद जब वो जन्नत में चला जाता है जन्नत के नेमतों को देखता है फिर वो दुनिया में आने की आरजू और तमन्ना नहीं करता है लेकिन शहादत की मौत ऐसी मौत है एक शहीद को अल्लाह तबार व तआला जन्नत में जो नेमतें देता है उन नेमतों की वजह से वो शहीद दोबारा दुनिया में आने की ख्वाहिश जाहिर करता है दोबारा दुनिया में आने की आरजू और तमन्ना करता है वो चाहता है कि उसको दुनिया में फिर भेज दिया जाए और फिर वो अल्लाह के रास्ते में शहीद कर दिया जाए सिर्फ शहीद दुनिया में आने की तमन्ना करता है वरना कोई नहीं करता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शहादत की आरजू करते थे खुद शहादत की तमन्ना करते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अन उक्तला फ़ी सबीलिल्लाह मेरी ख्वाहिश है कि मैं अल्लाह के रास्ते में कत्ल कर दिया जाऊं फुम उहैया फिर जिंदा किया जाऊं फुम उक्तल फिर कत्ल किया जाऊं फुम उहैया फिर जिंदा किया जाऊं फिर कतल फिर कत्ल किया जाऊँ सुम उहिया फिर जिंदा किया जाऊँ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना ऊंचा मकाम व मरतबा है आपने फरमाया कि जन्नत के दरवाज़े पर सबसे पहले मैं पहुँचूँगा जन्नत के दरवाजे पर दस्तक दूँगा जन्नत का दरबान पूछेगा मन अकुलना मोहम्मद मैं कहूँगा कि मैं मोहम्मद हूँ तो वो जन्नत का दरबार कहेगा मुझे यही हुक्म दिया गया था कि आपसे पहले किसी के लिए जन्नत का दरवाज़ा ना खोला जाए आपका मकाम व मरतबा इतना ऊँचा है आप सैदुलम्बिया वालमरसलिन हैं आप फ़्र बनी आदम हैं आप तमाम जन्नतियों के सरदार हैं लेकिन इसके बावजूद भी हमारे नबी की ये ख्वाहिश है कि आपको शहादत की मौत मिले आप आपको शहादत की तमन्ना और आरजू थी और आप बार बार ये आरजू करते थे कि आपको शहीद किया जाए फिर जिंदा किया जाए फिर शहीद किया जाए फिर जिंदा किया जाए फिर शहीद किया जाए फिर जिंदा किया जाए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह के रास्ते में शहीद होने वाला अल्लाह के दीन की आजमत के लिए अपना सर कटाने वाला कयामत के दिन इस हाल में उठेगा कि उसके जिस्म से खून बह रहा हो होगा वो बजाहिर तो खून होगा लेकिन उसकी खुशबू मुश्क और कस्तूरी की होगी शहादत का मकाम बहुत ऊंचा है इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहादत की तमन्ना करते थे शहादत की आर्जो करते थे साहब क़िराम शहादत के लिए तड़पते थे कि वो शहीद कर दिए जाए हर सहाबी की ये तमन्ना होती थी कि अल्लाह के रास्ते में उसकी जान काम आ जाए बहुत सारे शोहदा ने अपनी कुर्बानियाँ देकर के इस्लाम की आबियारी की है अगर उन तमाम शोहदा का तस्करा किया जाए तो जुमा का यह मुख्तसर वक्त इस बात का मतहमल नहीं है कि तमाम के वाकयात को बयान किया जाए अलबत्त इस्लाम के अंदर कुछ शोहदा ऐसे हैं जिनको हमेशा याद किया जाएगा उन चंद शहदा की तरफ मैं इशारा कर दूँगा ताकि आपको मालूम हो जाए कि सहाबा किस कदर शहादत की तमन्ना करते थे हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तहो यह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा ग़ज़व़े उहुद के मौका पर एक वह ने इनको तीर मार कर हिला कर दिया हिंदा जो हजरत हमजा रजील्ला तैों के शहादत की और आपके मौत की आर्जूमंद थी हिंदा को वो जा करके वो वहशी बताया वो गुलाम था हिंदा ने ये शर्त रखी थी कि तू हजरत हमजा का कत्ल कर देगा तो मैं तुझे आजाद कर दूंगी चुनानचे हिंदा ने अपने वादे के मुताबिक वहशी गुलाम को आज़ाद कर दिया हिंदा आई हजरत हमजा रजी अल्लाह तला की लाश का मुसला कर दिया हजरते हमजा की आंखें निकाल दी गईं हजरत हमजा रजियला के कान काट दिए गए हजरत हमजा रजी अल्लाह तला की जुबान काट दी गई हजरत हमजा रजियाल्लाहों के सीने को चीर करके आपके कलेजे को हिंदा ने चबाना चाह लाश का मुसला किया प्यारे नबी सल्लाम चचा की लाश को देखते हैं आँख निकली हुई है कान कटे हुए हैं नाक कटी हुई है कलेजा निकला हुआ है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं सैदहदा आज तक दुनिया में जितने लोग अल्लाह के रास्ते में शहीद हुए हैं तमाम शोहदा का सरदार है मेरा ये चचा आपकी फूफी देखने के लिए आई भाई की लाश को नबी ने मना कर दिया कहा तुम लाश नहीं देख सकती हो इसलिए कि हजरत हमजा की लाश का मुसला कर दिया गया उनकी लाश को मस्क कर दिया गया है इस्लाम के जाबाजों ने इस्लाम के खातिर अपनी जान कुर्बान करके इस्लाम के झंडे को हमेशा बुलंद रखा है प्यारे नबी ने फरमाया सैदोहदा जितने लोग शहीद होंगे उन तमाम शहीदों का सरदार मेरा ये चचा होगा हज़रत उमर बिन ख़ रजी अल्लाह तैाल्ला के नबी सल्लल्लाहु सल्ला वसम के दूसरे खलीफा हैं आपको को ब इतफ़ाक़ राय मोमिनीन मंतखब किया गया हज़रत अबूबकर रज़ी अल्लाह तहों ने अपनी ज़िंदगी में आपको अपना अमीर नायब मंतखब कर दिया हज़रत उमर बिन खताब रजी अल्लाह तहो हमेशा अल्लाह से दुआ करते थे कि अल्लाह मुझे शहादत की बहुत नसीब फरमा और तेरे नबी के शहर मदीना में नसीब फरमा सहाबा कहते थे आमिरलमोमिन आपकी ये दुआ हमारे समझ में नहीं आ रही है क्योंकि उस वक्त मुसलमानों की सल्तनत का दायरा बहुत वसी हो चुका था रोम और ईरान की सल्तनतों को फतेह कर लिया गया था और मुसलमान बहुत दूर दूर तक अपनी सल्तनत कायम कर चुके थे तो अगर जंग में जाएंगे तो मदीना से बहुत दूर रहेंगे और अगर मदीने में रहेंगे तो शहादत कैसे नसीब होगी है तो उमर बिन ख़ाब रज़ी अल्लाह कहा करते थे अल्लाह से शहादत की तमन्ना करना अल्लाह से शहादत की मौत मांगना ये हमारा काम है और मकाम व मरतबे तक पहुँचाना ये अल्लाह का काम है मेरे भाइयों सच्चे दिल से दुआएँ की जाती हैं तो अल्लाह ज़रूर कबूल करता है है तो उमर बिन खताब रजी अल्लाह तुने सच्चे दिल से दुआ की कि अल्लाह मुझे शहादत की मौत नसीब फरमा और तेरे नबी के शहर में नसीब फरमा अल्लाह तबारक वाले ने नबी के शहर में मौत दी और शहादत की मौत नसीब फरमाई और ऐसी मौत कयामत की सुबह तक याद किया जाएगा मेरे भाइयों बहुत से लोगों के शहादतों के तस्करे आपने सुने होंगे ये तस्करा भी सुन लो है तो उमर बिन ख़ताब रज़ी अल्लाह त मदीने में है मस्जिद नबवी में है मुसल्ले रसूल पर नमाज पढ़ा रहे हैं फजर की नमाज हो रही है प्यारे नबी सल्ला वसलम के मुसल्हे पर मस्जिद नबी में फ़जर की नमाज की इमामत करा रहे हैं तो उमर बिन ख़ताब

है तो उमर बिन ख़ाब रज़ी अल्लाह की शहादत मस्जिद नबवी में हुई मम्बरे रसूल के करीब मुसल रसूल पर हुई आपका पेट फाड़ दिया गया आपकी ओझड़ी बाहर निकल गई मुसल रसूल पर तड़पने लगे नमाज के बाद आपको उठाकर घर में लाया गया तबीबों को बुलाया गया तबीब आए डॉक्टर आए तशीस की कहा इनको शहद पिलाया जाए बचने की उम्मीद बहुत कम है यही उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तारा है जिनके बारे में इमाम कायनात ने कहा था कि अय उमर जिस गली में तुम जाते हो शैतान वो गली छोड़ भाग जाता है है तो उमर बिन खाबर रज़ी त मस्जिद नबू में आए मुसल रसूल पर बैठे साहबा को इकट्ठा किया और कहा तबीबों ने मशवरा दिया है कि मैं शहद इस्तेमाल करूँ मेरे घर में शहद नहीं है ग़ुलामों ने बताया है कि बैतुलमान में शहद मौजूद है अगर आप इजाज़त दें तो थोड़ा सा शहद मंगा लो साहब ग्राम की ओर से मस्जिद नबोई कूज उठी कि अमीरमरी आप इतने बड़े अमीर हैं मामूली शहद के लिए आप हमसे इजाजत दे रहे हैं अमीर उमर बिन ने कहा, नहीं, नहीं, ये कौम की अमानत है मैं अपने लिए आपकी इजाजत के बगैर नहीं इस्तेमाल कर सकता ये शहादतों के तस्करे सुनो इन्हीं जाबाजों ने इस्लाम को मजबूत किया है इन्हीं जाबाजों की कुर्बानियों से आज इस्लाम जिंदा है है तो उमर रजी की शहादत का तस्करा कोई नहीं करता और क्यों करेंगे उमर बिन को कोई अपना दुश्मन समझते हैं अबू बकर सिद्दीक कोई अपना दुश्मन समझते हैं खलीफे है सालिस हज़रत उस्मान बिन गनी को है तो उस्मान गनी है तो उस्मान इबन रजी अल्लाह तलाम को ये लोग अपना दुश्मन समझते हैं और ये काले कपड़े वाले जिनके कारनामे इतने काले हैं कि अगर लोगों को बता दिया जाए तो इनसे नफरत करेंगे साहब क्राम के खून से इनके हाथ रगे हुए हैं इसलिए ये साहबा का तस्करा नहीं करते है तो ऊस्मान गनी रज़ी अल्लाह तला की शहादत कौन बुला सकता है ये कौन उस्मान है ये उस्मान वो हैं जिनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस्मान तो वो है आसमान के फरिश्ते भी से हया करते हैं आसमान के फरिश्ते भी उस्मान से हया करते हैं प्यारे नबी बैठे हुए थे अबू तो सिद्दीक आए आपकी पिंडली खुली थी आपने वैसे ही रखा है तो उमर फ़ारूक आए आपकी पिंडली खुली हुई थी आपने वैसे ही रखा है तो स्मान गनी रज़ी आए तो नबी ने आप अपने पिंडली को ढक लिया लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल अबू बकर सिद्दीक आए उमर फ़ारूक़ आए आपकी पिंडली खुली रही लेकिन उस्मान के आते ही आपने अपनी पिंडली ढक लिया इमाम कायनात ने उस्मान को तुम क्या जानते हो यह उस्मान वो है जिससे आप आसमान के फरिश्ते भी हया करते हैं यही वो उस्मान हैं और रजी अल्लाह तहो जिनको अल्लाह के नबी नबीम ने बारह जन्नत की बशारत दी है जब हजरत करके मुसलमान मक्का से मदीना गए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शिकायत आई कि एक पा, एक मीठे पानी का कुआं है जिसको बिर रोमा कहा जाता है और वो यहूदी के कब्ज़े में है मुसलमानों को पानी नहीं देता है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस यहूदी के पास गए और कहा मैं चाहता हूँ कि तुम आधा कुआ बेच दो वह आधा कुआ बेचने के लिए तैयार हो गया नबी ने साहबा को इकट्ठा किया ऐलान किया साहबा को पानी पीने की परेशानी है मैंने यहूदी से बात की आधा कुआं बेचने के लिए तैयार है साहबा उठो चंदा इकट्ठा करो जो शख्स भी बेरे रूमा को खरीदने के लिए चंदा देगा मैं उसे हौजे कौसर पर अपने हाथ से पानी पिलाऊंगा है तो उस्माननी रजी अल्लाह ने जब ये सुना खड़े हुए और कहा कि क्या अल्लाह के रसुल चंदे की जरूरत नहीं है चंदे की जरूरत नहीं है अकेला उस्मान बिर रुमा खरीदने के लिए तैयार है क्यों इसलिए कि आपने कौसर का जाम पिलाने का वादा किया है अल्लाह के नबी सल वसल्म ने बीरे रूमा का आधा हिस्सा खरीद लिया जिस दिन मुसलमानों की बारी होती ऐलान कर दिया हमारे नबी ने जो चाहे पानी ले सकता है जिस दिन यहूदी की बारी होती वो पानी को बेचता था तमाम लोगों ने जब देखा कि मुसलमानों ने वक्फ कर दिया है यहूदी बेच रहा है तो जिस दिन यहूदी की बारी थी कोई जाता ही नहीं था पानी लेने यहूदी मजबूर होकर नबी के पास आया कहा आधा भी खरीद लीजिए हमारे नबी ने फिर ऐलान किया लोगो चंदा इकट्ठा करो बीरे रूमा का आधा हिस्सा भी बेचने के लिए यहूदी तैयार हो गया है है तो उस्मान खड़े हुए कहा अल्लाह रसूल चंदे की जरूरत नहीं अकेला उस्मान काफी है अल्लाह अकबर यही उस्मान है रजी अल्लाह तला जिनको जुन्नूरैन कहा जाता है नबी की दो दो बेटियां आपकी जोजियत में हैं पहले हजरत रुकैया को आपकी जोजियत में दिया गया और जब उनका इंतकाल हो गया तो हजरत उम्मे कुलसूम को आपकी जोजियत में दिया गया अल्लाह के नबी नबीसलम की दो दो बेटियां अगर किसी की जोजियत में हैं तो वह ऊस्मान गनी है इसीलिए आपको जुन्नूरैन कहा जाता है गजो तबूक के मौका पर अल्लाह के नबी नबीसलम ने ऐलान किया कि मुसलमानों इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी ताकत से मुकाबिला है लिहाजा तुम इकट्ठा करो माल इकट्ठा करो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तला खड़े हुए सौ ऊंट साजो सामान से लदा हुआ नबी नबीसम के हवाले किया और तीन मरतबा ही किया प्यारे नबी नबीम पर खड़े हो गए कहा उस्मान आज के बाद अगर कोई काम ना करे तो भी जन्नत में जाएगा तभी आपने उस्मान के शहादत का तस्करा सुना अगर सुना होगा तो अहले हदीस की मिंबर से सुना होगा अगर सुना होगा तो अहले हदीस के मेहराब से सुना होगा दूसरे लोग इनके तस्करे नहीं करते हैं सबसे मज़लूम जहाबी जिनको ज्यादातर लोग बयान ही नहीं करते हैं है तो ऊस्मान गनी रज़ी तू को जब खलीफा बनाया गया है तो उमर उमर रज़ी अल्लाह के ताल्लुक से एक बात बताऊँ ताकि बात समझने में आसानी हो जाए हमारे नबी ने फरमाया कि उमर एक दरवाज़ा है उमर ये दरवाज़ा है इस दरवाजे के बाद फितनों का दौर शुरू होगा यानी खबारिज निकलेंगे पूछा गया कि अल्लाह के रसूल ये दरवाज़ा खोला जाएगा कि तोड़ दिया जाएगा आपने फरमाया ये दरवाज़ा तोड़ दिया जाएगा यानी है तो उमर की शहादत होगी है तो ऊसमान गनी रज़ी अल्लाह खलीफा हुए फितनों का दौर शुरू हुआ खबारिज निकले बलवाइयों ने बलवा किया है तो तोमान गनी रज़ी अल्लाह के घर का मुहासरा कर लिया गया एक दिन दो दिन नहीं चालीस दिन तक है तो ऊस्मान गनी रज़ी अल्लाह तो के घर का मुहासरा था अंदर की कोई चीज़ बाहर नहीं जा सकती थी बाहर की कोई चीज अंदर नहीं आ सकती थी उस वक्त अमीर मुआविया है शाम के गवर्नर थे जो आपके आपके साले हैं उस्माने गनी हो, अमीरे हो है तो है तो अमीर मुआविया रजियाल्ला के बहनोई हैं चालीस दिन तक आपके घर का मुहासरा किया इन्हीं खवारिज ने किया था इन्हीं बलवाइयों ने किया था है तो ऊस्मान गनी रजी अल्लाह छत के ऊपर आए और मुखातब करके फरमाया लोगो यही वो मस्जिद है जिसकी तोसी के लिए उस्मान ने चंदा दिया था आज मैं उस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकता हूँ बीर रूमा को याद करो जब मुसलमान एक एक घूट पानी के लिए तरस रहे थे अकेला उस्मान ने बीरे रूमा को खरीद करके मुसलमानों के लिए वक्फ किया था आज उसी कुएं का पानी मैं नहीं पी सकता हूं आप सोचिए कि उस्मान गनी रजी अल्लाह जुबान से यह बात कही होगी और आपको कितनी तकलीफ हुई होगी चालीस दिन तक बगैर खाए पिए आपने रोजा रखा चालीसवा दिन है बीवी सामने आई बूढ़ी औरत कहा अमीरुल मोमिनीन आज भी खाने के लिए कुछ नहीं है कहा कोई बात नहीं है आज मैंने भी मैंने आज भी रोजा रख लिया कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है मुसलसल भूखा और प्यासा रहने की वजह से चालीसवें दिन बलवाइयों ने आपकी दीवार को फांत करके अंदर गए आपको कत्ल किया आपको आपके खून के छींटे कुरान मजीद के मुसहब पर पड़ा आपकी बीवी बचाने के लिए आई उस बूढ़ी औरत की उंगलियां काट दी गई कभी आपने शहादत का तस्करा सुना है तो माने न हो के पास है तो अबू हरेरा आए रजी अल्लाह हो आए और कहा मेर मोमिनीन परेशान ना हो सात सौ सहाबा मौजूद हैं बाकी सहाबा हज के लिए चले गए थे मक्का मुकर्रमा मदीना में 700 सौ सहाबा मौजूद हैं आप इजाज़त तो दीजिए इन बलवाइयों को हटा दिया जाएगा अमीरुल मोमिनीन है तो उस्मान बिन अफान रज़ी तला ने कहा अबू हरेरा तुम कैसी बातें करते हो वो तलवारें जो इस्लाम के दुश्मनों के लिए उठा करती थी आज उसको आज उसको मुसलमानों के लिए उठाया जाए आज आपस में कुछ तो खून किया जाए नहीं नहीं मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता हूँ है तो अमीर माविया को मालूम हुआ मालूम हुआ कि उस्मान गनी रजी अल्लाह के घर का मुआसरा कर दिया गया साठ हजार फौज साठ हजार फौज अमीर माविया के पास है शाम में खत भेजा उस्मान गनी रजी अल्लाह के पास कहा अमीरुल मोमिनीन आप इशारा करें इजाजत दे साठ हजार फौज मेरे पास है और आपकी हिफाजत के लिए भेज देता हूँ अमीरुल मोमिनीन ने कहा जिस शहर को मदीना मदीना शहर को जिसको मदीनतुन नबी कहा जाता है इस शहर को मैं खून से आलोद नहीं करना चाहता हूँ इस शहर पर मैं खून नहीं बहाना चाहता हूँ ये वो अमीर उलोमिन है ये वो उस्मान गनी और रजी अल्लाह तला हैं लेकिन आपकी शहादत का तस्करा कोई करता है मेरे भाइयों है तो उस्मान गनी रजी अल्लाह को शहीद कर दिया गया आपके घर में शहीद कर दिया गया भू का प्यासा शहीद किया गया और हालत ये थी कि आपकी लाश को उठा करके कोई दफन करने के लिए भी तैयार नहीं था बलवाइयों का इतना जोर था तीन दिन के बाद रात के अंधेरे में हैत ऊस्मान गनी रज़ी अल्लाह की लाश को उठाया गया और जन्नतुल्बकी के किनारे में ले जाकर दफन किया गया ये वो शहादत है मेरे भाइयों लेकिन कोई इन शहादतों के तस्करे नहीं करता है। हैत हंजला की शहादत जिनको गसीलमलाई का कहा जाता है आपने सुना एक नौजवान नई नी शादी हुई है अपनी बीवी के पास सोया हुआ है अभी जफाफ़ मना रहा है मुनादी होती है सुबह में लोगो दुश्मन दुश्मन हमारे सरों पर आ चुके हैं मुकाबला के लिए तैयार हो जाओ हजरत हंसला रजी अल्लाह जिन्होंने ने शब मनाया था अपनी बीवी से हम बिस्तरी की थी गुसल करने का भी मौका नहीं मिला बाहर निकलते हैं और कहते हैं गुसल करने में देर हो जाएगी कहीं ऐसा ना हो इस्लाम का झंडा झुक जाए मेरे भाइयों इस्लाम के लिए हमारे लोगों ने क्या कुर्बानियां दी हैं हजरत हंजला जाते हैं शहीद हो जाते हैं जंग खत्म होती है शहदा की लाशों को इकट्ठा किया जाता है तमाम शहदा की लाशों को इकट्ठा किया गया हजरत हंजला की लाश नहीं मिल रही है प्यारे नबी ने फरमाया हंजला को तलाश करो तलाश किया गया बहुत देर के बाद हजरत हंजला की लाश मिली आपकी पेशानी से पानी टपक रहे थे आपके बाल से पानी टपक रहे थे प्यारे नबी की जुबान से निकला गसीलमलाई का फरिश्तों ने गुसल दिया है कभी आपने ये शहादत का तस्करा सुना फरिश्तों ने गुसल दिया है सहाबा गए हजरत हंजला की अहलिया के पास कहा मामला क्या है कहा रात में उन्होंने शबे फाफ बनाया सुबह को ऐलान हुआ दुश्मन से मुकाबिला मुकाबिला है गुसल करने का मौका नहीं मिला कहा खुश हो जाओ प्यारे नबी ने गसीबलाई का कहा है मेरे भाईयों वो साहबा हैं इस्लाम कुर्बानियाँ चाहता है इस्लाम कुर्बानियाँ चाहता है और जब मुसलमान बुजदिल हो गए जब मुसलमान दुश्मनों से डरने लगे जब मुसलमानों ने तीरों तलवार को छोड़ दिया तो जिल्लत और रसवाई इनका मुकद्दर बन गई और सुन लो जिल्लत तो और रसवाई ही मुकद्दर रहेगी अगर जमा मर्द बनकर नहीं रहोगे अगर शुजात और बहादुरी का मुना मुजाहरा नहीं करोगे मेरे भाइयों उन्हीं कौमों को याद किया जाता है जो कौमें बहादुर हुआ करती हैं बुज को तारीख तारीख से मिटा दिया जाता है मेरे भाइयों अगर इज्जत की जिंदगी गुजारना चाहते हो शुजात मंद बनो बहादुर बनो मौत से पहले किसी को मौत नहीं आती है जिनको इमाम कायन ने सईफुल्ला का लकब दिया था अल्लाह की तलवार कहा था ये खालिद बिन वलीद जितने जंगों में शरीक हुए तमाम जंगों में फतेह हासिल की लेकिन आखिर में जब उनकी मौत हो रही है अपने बिस्तर पर पड़े हुए हैं लोगों को इकट्ठा किया कहा लोगों जंगों में जाने से शहादत नहीं मिलती है देखो खालिद बिन वलीद को मेरी पूरी जिंदगी जंगों में गुजर गई लेकिन शहादत से महरूम रहा आज अपने बिस्तर पर मर रहा हूँ मेरे भाइयों बहादुर बनो मेरे भाइयों बहादुर बनो बहादुरों को लोग याद करते हैं बुजदलों को जलील और रस्वा करके उनकी जिंदगी को अजीरन कर दिया जाता है मेरे भाइयों है खुबैब बिन अदी और रजी अल्लाह तो अल्लाह के नबी के सहाबी हैं इनको गिरफ्तार किया गया हुरमत का महीना चल रहा था हुरमत के महीनों के ख़त्म होने का इंतजार था खुबैब बिन अदी के उनके सूली पर चढ़ाने की तारीख मतिन की गई खुबैब बिन अदी और रजी अल्लाह ये वो वक्त आया इन्होंने अस्तुरा मांगा अस्तुरा दिया गया वो घर की औरत जो थी अस्तुरा दिया उनका बच्चा टहलते हुए ख़ुबैब बिन अदी के पास पहुंच गया हाथ में अस्तुरा है और ख़ुबैब बिन अदी के गोद में उनके रान पर बैठा हुआ घर का बच्चा है वो औरत वो बीबी देखी तो तड़प उठी कहीं ऐसा ना हो कि खुबैब बिन अदी मेरे बच्चे को ढाल बना ले खुबैब बिन अदी रजी अल्लाह तला ने देखा कि एक माँ अपने बच्चे के लिए तड़प रही है कहा तुम मुतमिन रहो अल्लाह के नबी के शेर बच्चों को ढाल नहीं बनाया करते हैं अल्लाह के शेर बच्चों को ढाल नहीं बनाया करते हैं बच्चे को छोड़ दिया खुबैब बिन अदी ने अपना मुंह जे नाफ साफ किया तारीख मुतन की गई तख्ते दार पर पहुंचाए गए और सवाल किया गया कुछ चाहते हो कहा दो रकात नमाज पढ़ने की इजाजत दे दीजिए कितनी अच्छी शहादत रही होगी दो रकात नमाज पढ़ने के लिए तख्ते दार पर लटकाए जा रहे हैं नमाज के बाद तख्ते दार की तरफ जा रहे हैं खुबैब बिन अदीन ने वो सजदा कैसा सजदा किया हो जी चाहता है कि सजदे से सर न उठाऊं लेकिन दुश्मन समझेंगे कि शेर खुदा मौत से डर गया सजदे से सर उठाया और मक्तल की तरफ चल दिए तख्तेदार पर खड़ा किया गया फांसी गले में लटकाया गया तख्ता हटाया गया एक ना हंजार सामने आता है और हजरत खुबैब बिन अदी रजी अल्लाह के सीने में अपनी तीर को चुभोता है नाहजार अल्लाह की कसम हमारे नबी कहीं भी हूं उनके पैरों में काटा चुभ जाए हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं मेरे भाइयों ये थे अल्लाह वाले प्यासे ये भूखे तड़पते हुए अल्लाह के लिए अपनी जानों को कुर्बान कर दिया जान दी दी हुई उसी की थी हक़ तो यह है कि हक अदा ना हुआ मेरे भाइयों हैत अली रजी अल्लाह तआला तै को शहीद किया गया हैत ऊस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला तहों को शहीद किया गया इन तमाम के शहादत के तस्करे नहीं होते हैं इत्तिफाक से नवाश रसूल हजरत हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह तआला तै को दस मुहर्रम को शहीद किया गया करबला के मैदान में जो नसीब में है वो होकर रहेगा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार अपने नवासे को लेकर बाहर निकले आप चूम रहे थे है जिब्रील आए कहा आप इससे बड़ी मोहब्बत करते हैं कहा हाँ मैं नहीं मोहब्बत करता हूँ जो इससे मोहब्बत करे मैं उससे भी मोहब्बत करता हूँ और आपने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह जो मेरे इस नवाशे से मोहब्बत करे तू भी उससे मोहब्बत कर नवाशे रसूल की मोहब्बत ईमान है नवाश रसूल की मोहब्बत ईमान है जब हम दरुद पढ़ते हैं अल्लाह मसल अल्ला मोहम्मद व अला आली मोहम्मद हम नबी के साथ नबी के अहले बैत पर नबी के आल पर नबी के औलाद पर भी दरुद पढ़ते हैं हुसैन की मोहब्बत रज़ी अल्लाह तैनो हमारे ईमान का हिस्सा है लेकिन जो हकीकत है वो बयान करना रहेगा है तो जबरील ने देखा नबी बड़ी मोहब्बत थोड़ा वक्त ज्यादा हो जाएगा बर्दाश्त कर लीजिए है तो हुसैन रजी अल्लाह तुओ की मोहब्बत को देखा तो कहा अल्लाह के रसूल आप बड़ी मोहब्बत करते हैं कहा हाँ मैं बड़ी मोहब्बत करता हूँ जबरील ने कहा लेकिन आपकी उम्म आपके नवासे को कत्ल कर देगी अकबर पहले से बताया जा चुका था नबी की जिंदगी में ये बात मालूम हो चुकी थी हैते जबरील ने करबला की वो मिट्टी भी उठाकर बताया कि यहीं पर आपके नवासे को कत्ल किया जाएगा वो था पहले से तकदीर में हैते उस्मान गनी रजी अल्लाह के बाद हैरत अली खलीफ़ा हुए है ते अली रजी अल्लाह नहों के बाद हत हसन रज़ील् तैन हैतमान गनी अल्लाह तैनों के बाद अली अली के बाद हरत हसन को खलीफ़ा बनाया गया हैत हसन रजी अल्लाह तैाल हैत अमीर माविया से जंग करने के लिए निकल रहे हैं और मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी से असरम की वो हदीस जिसमें आपने फ़रमाया था हाजा इब्नी सैद ये मेरा बेटा सैद है अल्लाह जरिए से दो बड़ी गिरोहों के दरमियान इस्लाह करेगा हैत हसन रज़ी अल्लाह तैन ने अमीर माविया से मुसालहत की और दुनिया का पहला ब्लैंक चेक यहीं से जारी हुआ हैत अमीर माविया ऱी अल्लाह तैन ने हैत हसन ऱी अल्लाह तैन के नाम पर बड़ेंग चक दिया कहा आपको जितनी ज़रूरत हो बैतमाल से ले सकते हैं मेरे भाइयों अगर हजरत अमीर माबिया रज़ी अल्लाह तहों का हाथ हैरत अली रज़ी अल्लाह तैन की शहादत में होता तो हैरत हसन रजी अल्लाह तुआ आपके बाप के कातिल से बेहत नहीं करते लेकिन नबी फरमाया था हाजा इब्न सैद मेरा ये बेटा सरदार है अल्लाह ताला दो गिरोहों के दरमियान इसके ज़रिए से सलाह कराएगा सलाह कराया गया उनको भी जहर दे करके शहादत की मौत सला दिया गया हैरत हुसैन रजी अल्लाह तहों को लोगों ने अमीर बनाया कोफा के तकरीबन साठ हजार लोगों ने खत भेजा कोफा से अलकूफी लाफ़ी कोफ़ी कभी वफ़ादार नहीं होता है इन्होंने अली रजी अल्लाह तै को कत्ल किया इन्होंने हाथ हुसैन रजी अल्लाह तैन को कत्ल किया इन्होंने है उस्मान गनी रजी अल्लाह तुओ को कत्ल किया ये कभी वफ़ादार नहीं होते हैं ख़त पर ख़त आ रहा है है हुसैन रजी अल्लाह तु मदीना से कोफे की तरफ रवाना हो गए कोफे की तरफ रवाना हुए लोगों ने बताया लोगों ने समझाया लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं थे मेरे भाइयों हम ये कहेंगे कि जो नसीब में लिखा था वही हुआ जो नसीब में लिखा था वही हुआ और मैं आपको बता दूं जब शहादत हुसैन के तस्करे होते हैं तो ऐसा बताया जाता था कि कोई बच्चा था और उसको लोगों ने कत्ल कर दिया आपको मालूम होना चाहिए कि हत हुसैन रज़ी अला तुओं की शहादत का वाक़ जब पेश आया तो उनकी उम्र साठ साल थी कितनी साठ साल लेकिन काले कपड़े वालों से आपने सुना होगा जब हुसैन शहादत के होते हैं तो ऐसा लग रहा था कि कोई मासूम बच्चा था कत्ल कर दिया गया साठ साल की उम्र में बूढ़े हो चुके थे और कर्बला के मैदान में यह वाक्य पेश आया हुसैन रजी अल्लाह जब पहुंचे तो उस वक्त के जो गवर्नर थे वहां के कोफा के उबैदल इबन जियाद इनको ये पैगाम भेजा गया कि हैत हुसैन इबन अली रज़ील् तैनों को आगे ना बढ़ने दिया जाए हैत हुसैन रज़ील् तैनों को जब मालूम हुआ कि यहाँ के लोगों ने मेरे साथ गद्दारी की है तो इन्होंनेत इन्होंने, हुसैन रजील् तै नेबैदाबन जियात से तीन बातें रखी या तो मुझे मदीना वापस भेज दिया जाए या तो मुझे मदीना वापस भेज दिया जाए और या तो मुझे छोड़ दिया जाए मैं कहीं भी जाकर के गुमनामी की जिंदगी गुजार लूं और या तो मुझे यजीद इब्ने मुआविया के पास हाजिर किया जाए मैं अपनी बात उनके रूबरू रख सकूं ये तीन शराब थे ये तीन शराइब थे लेकिन उबैदुल्लाह इब्ने जियात ने तीनों ना मंजूर किया और जंग हुई ग्यारह बजे जंग हुई।, जंग हुई जोहर तक ये मामला खत्म हो गया दो घंटे के अंदर तीन घंटे के अंदर यह पूरा मामला खत्म हो गया आज इस शहादत के तस्करे हो रहे हैं हुसैन उस्मान गनी रजी अल्लाह रजिया की शहादत को बुला गया बुला दिया गया हमजा रजी हैमजा रजियाल्ला की शहादत को बुला दिया गया रजी हैमजला रजियाल्ला की शहादत को बुला दिया गया उमर बिन खत्ताब की शहादत को बुला दिया गया मेरे भाईयों एक बहुत बड़ा हादसा था इतना बड़ा हादसा था कि यहां से इस्लाम दो हिस्सों में डिवाइड हो गया एक शिया एक सुन्नी और आज तक ये फितना खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है मेरे भाइयों मेरे भाइयों हैत हुसैन रजी अल्लाह तु की शहादत से हमें तकलीफ है हमें गम है लेकिन इस्लाम की तारीख को बदला नहीं जा सकता शहादत का मातम नहीं बनाया जा सकता कह दो गमे हुसैन मनाने वालों से मोमिन कभी शोहदा का मातम नहीं करते शहादत का मकाम तो बहुत ऊंचा मकाम है या तो शहीद मान लो या तो मातम कर लो शहीद भी मानते हैं मातम भी करते हैं मेरे भाइयों हैत हुसैन रजी अल्लाह नाम पर सभी ने बयान बांटी जाती हैं तकसीम की जाती आपको मालूम है दस मुहर्रम रोजे का दिन है प्यारे नबी ने फरमाया अफजल्सिया में बाद रमज़ान शाहरल मुहर्रम रमजान के बाद सबसे बेहतर रोज़ा अगर है तो मुहर्रम का रोज़ा है आपने दस मुहर्रम का रोजा रखा और आपने फरमाया फरमायान बकी तो लसूम से अगर मैं भाई आइंदा साल जिंदा रहा तो मैं नौ को भी रोजा रखूंगा इसलिए अहले हदीस नौ और दस को रोजा रखते हैं आज रोजे का दिन है कल रोजे का दिन है मेरे भाई इस्लामी तारीख को पलटा नहीं जाता दस मुहर्रम जो याद किया जाता है हैत हुसैन की शहादत के नाम पर नहीं बल्कि हैरते मूसा सलाम की कामयाबी के नाम पर जब अल्लाह तबारक व ने मूसा इस्लाम को कामयाब किया और फ़िर उनको गर्व किया हैत मूसीम ने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए इस दिन क्या किया था रोज़ा रखा था हमारे नबी ने फरमाया मूसा मेरे भाई थे उन्होंने रोज़ा रखा था मैं भी रोज़ा रखूँगा मेरे भाइयों ये दस मुहर्रम जो है इसका ताल्लुक़ कहाँ है हज़ मूसीम की तारीख से है बातें बहुत सारी हैं लेकिन वक्त इजाज़त नहीं देता है कि मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊँ अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आलमीन हम तमाम को सही समझता फरमाए इस्लाम की सही तारीख़ का मुताला करने की अल्लाह सबको तौफीक नायत फरमाए सहाबा की इज़्ज़त करने के उनकी आज़मत को समझने की तौफीक नायत फरमाए अल्लाह हम सब को शुजात और बहादुरी वाला बनाए अल्लाह हम सब को से बाहर निकाले अल्लाह हमें नए हौसले के साथ नई ज़िंदगी गुजारने की तोफ़ी इनायतर फरमाए अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो अल्लाह जब तक दुनिया में रखे इस्लाम पर कायम रखे खात्मा हो तो ईमान बिल खैर पर हो रबना तकब्बल मना इन न कांत समी उलिम व तुब अलैना इन न कांत तो रहीम बे राहमती का या अरहमरी الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه دلاله وكل دلاله في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم وخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعل منهم عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر واقيم الصلاه